हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। बेटा आज आपां तुहाडे समाजिक विज्ञान नाल संबंधित बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत दे राज अते केंद्र शासित प्रदेश इन्हां बारे जानकारी हासिल करांगे। भारत दे मैप विच देखांगे किहड़े राज दी की स्थिति है, ज्योग्राफिकली कित्थे उह लाई करदा है, उस तरह केंद्र शासित प्रदेश कित्थे ने, तां जो तुसीं भारत दे नक्शे नूं देख के हर एक राज नूं लभ सकदे होवो। तां जदों मैप वर्क तुसीं करो तां बड़े ईजीली सारे सारे स्टेट्स नूं यूटीज़ नूं तुसीं बड़ी आराम नाल भर सकदे हो। सो इहदे वास्ते तुसीं सारे बच्चे अपने कोल पेन पेंसिल रखो, एक इस नाल दा खाली मैप अपने कोल रखियो, तां जो मैं ज्यों ज्यों तुहानूं स्टेट्स पढ़ावां तुसीं नाल नाल प्रैक्टिस करी चलियो, उहदे नाल तुहानूं स्टेट्स याद हो जाणगियां। तो बड़े ईजीली तुसीं जदों भी कोई तुहाडा मैप वर्क आउंदा किसी भी क्लास दे विच उह भारत नाल संबंधित बड़ी आसानी नाल कर सकदे होवोंगे। आओ आपां स्टार्ट करदे हां अज दा चैप्टर, भारत दे राज अते केंद्र शासित प्रदेश ज्योग्राफिकली कित्थे लाई करदे ने। तुहाडे सामने भारत दा एक राजनीतिक नक्शा है जिहदे विच सारियां स्टेट्स उहनां दीआं राजधानियां भरियां वी तुहाडे कोल दिखाईआं गईआं ने। तां इक तां याद रखना बेटा जी, भारत दीआं 28 राज हन भारत दे इस समें अते 8 केंद्र शासित प्रदेश हन। इह च कन्फ्यूज़ नहीं होना, कितें 29-7 हुंदा कितें 29-8 हुंदा, इहनूं बिल्कुल छड्ड देना है। सिर्फ याद रखना है भारत दे 28 राज हन जी ते 8 केंद्र शासित प्रदेश हन। अज आपां इन्हां 28 राज्यां दीआं स्थिति देखांगे कित्थे है, ते उसे तरह केंद्र शासित प्रदेश देखांगे कित्थे ने। तुसीं अपना खाली मैप अपने कोल ही रखो, पेन पेंसिल कोल ही रखो। आपां इक इक मैप उरों डिस्कस कर रहे हां वी किहड़ा मैप कित्थे कित्थे है। तुहाडे सामने अपने कोल भारत दा कंप्लीट मैप है। सो बेटा पहला तो दिशावां दी जानकारी थोनू होनी जरूरी, बहुत जरूरी है। उपरले पासे साडे कोल हुंदी है नॉर्थ या उत्तर जिहनूं आप बोलदे हां, निचले पासे आ गया साडे कोल दक्खण या साउथ। इस वाली साइड ते साडी आ जिहड़ी है इह है जी पूर्व दिशा है, इधरले पासे साडे कोल पछम दिशा है। सो भारत दे 28 राज्यां नूं पढ़न वास्ते थोड़ा जिहा एक टकनीक अपनाओ, आपां उहनूं इस हिसाब नाल पढ़ांगे। पहलां पाकिस्तान अते अरब सागर नाल पढ़दे हुए राज सारे, फिर आपां नीचों चलांगे उपरों खाड़ी बंगाल दे नाल नाल लगदे हुए राज सारे, फिर आपां आ जिहड़े सैवन सिस्टर्स जिहड़े बोलदे ने इहनां नूं पूर्वी राज ने जिहड़े साडे, इहनां नूं पढ़ांगे। फिर असीं उपरले पासे नेपाल, भूटान, चाइना, इहनां नाल जिहड़ियां स्टेट्स लगदियां ने, चार हिस्से, चौथा हिस्सा इह पढ़ांगे। पंजवां हिस्सा असीं भारत दे उह स्टेट्स पढ़ांगे जिहनां नूं किसे बाहरली देश दा बॉर्डर नहीं लगदा जां समुंदर वगैरह नहीं लगदा, जो भारत दे मध्य दे विच आ जांदे ने, है ना, अजिहे बनांगे। सो इस ढंग नाल तुहानूं जदों इह पढ़ोगे तुहानूं बड़ा ईजीली हो जाएगा इस नूं याद करना। सो सब तो पहलां आपां स्टार्ट करदे हां पाकिस्तान वाली साइड तों भारत दे राज्यां नूं पढ़ना, देखदे शुरू करदे हां। सो भारत दे राज जदों आपां पाकिस्तान वाली साइड तों पढ़दे हां, देखो पहलां तुहाडे कोल सामने उपर लद्दाख ते जम्मू कश्मीर। बेटा ये हुण यूटीज़ बन चुकियां ने, इस करके इहनूं आपां यूटीज़ वाले भाव केंद्र शासित वाले प्रदेश दे टॉपिक वेले पढ़ांगे। फिलहाल दी घड़ी राज करन लग्गे तां सब तों पहला राज साडा आ जांदा है पंजाब। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਜਰਾਤ। ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਜੀ? ਗੁਜਰਾਤ। ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਾਂਗੇ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਗੋਆ, ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਗੋਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਗੋਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਗੋਆ, ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੇਰਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਸਦੇ ਨੀਚੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਆ ਆ ਗਿਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਰਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ। ਇਹ ਸੱਤ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ
पाकिस्तान अते अरब सागर नाल टच करदे हो। क्लीयर, एक साइड कंप्लीट होगी ना सारे राज्यों की। हुण आपां चलो दूसरे पासे चल पो, इधरले पासे खाड़ी बंगाल वाले पासे, नीचे साडा अरब सागर है जिहदे एक पासे केरल दूजे पासे तमिलनाडु लगता है। हुण आपां चलदे हां खाड़ी बंगाल तों उपर नूं जांदे हां। खाड़ी बंगाल तों उपर जांदे हां, सब तों पहलां साडे कोले आ गया बेटा जी तमिलनाडु। आ रहा जी साडे कोले तमिलनाडु राज रहा, आ रहा थोड़े कोले तमिलनाडु। देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु दे उपर साडे कोले आ गया आंध्र प्रदेश, उपरले पासे की आ गया आंध्र प्रदेश। आ जा रहे हैं आंध्र प्रदेश, जाते 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 कितने पहुंच गए जी, आ उड़ीसा। तमिलनाडु तो चले सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा के नाल पछमी बंगाल, वैसट बंगाल जिन्होंने अभी बोलते हैं। ये चारे साढ़े को चार स्टेट्स भारत दजियां आ गई जिहड़ियां खाड़ी बंगाल नाल लगदियां ने। दुबारा देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु के उपर आंध्र प्रदेश की लोकेशन देख लो आ रही, फिर थोड़े सामने उड़ीसा की लोकेशन आ गई, उड़ीसा के उपर वैसट बंगाल, वैसट बंगाल जाता जाता काफ़ी उपर तक जाता है। सो ये चार जिहड़ियां स्टेट्स ने साड़ियां ये आ गई जी खाड़ी बंगाल के नाल। क्लीयर, हूँ बेटा साढ़े को बड़ा इंपॉर्टेंट आ जिहड़ियां सत्त छोटी छोटी स्टेट्स ने भारत के पूर्व के ने, जिन्होंने आप होर शब्दिक नाम के सैवन सिस्टर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्त ने आपस जुड़िया हुई ने, एक दूजे डिपेंडेंट ने। सो सैवन सिस्टर्स आ रखो जी। सब तो पहला आ गया त्रिपुरा, आता बंगलादेश आ गया बेटा। आप वैसट बंगाल थी ना विचार जी, आ जो वाइट वाला हिस्सा है यह बंगलादेश है, यह भारत का गवांढ़ी देश है। सो ये कलरफुल है, देखो पर्पल कलर का त्रिपुरा, त्रिपुरा तीन पासों बंगलादेश ना घिरया हुआ। देखो इधर भी बंगलादेश है, आ इधर भी बंगलादेश है, इधर भी बंगलादेश है। सो त्रिपुरा, त्रिपुरा के नाल ही एक छोटा जिहा राज है मिजोरम। मिजोरम तो उपर चलीए मणिपुर, मणिपुर तो उपर थोड़ा जिहा चलीए नागालैंड, नागालैंड के नाल घूमता होया सारा, फिर ये चाइना नूं टच करता अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा, त्रिपुरा के नाल मिजोरम, मिजोरम के नाल मणिपुर, मणिपुर के नाल नागालैंड, नागालैंड के नाल अरुणाचल प्रदेश, पंज हो गए। उस तो मगरों असाम, आ देखो सारा असाम आ गया, ब्रह्मपुत्र दरिया पैदा और अरुणाचल प्रदेश में हुंदा होया। इस तो मगरों मेघालय, ये बेटा वो स्टेट है जिथे सब तो वध बारिश हुंदी है, चिरापुंजी नाम का स्थान इत्थे ही है मेघालय के। सो ये सैवन स्टेट्स ने, छोटी छोटिया स्टेट्स ने पूर्व के, इस करके इन्हों सैवन सिस्टर्स भी बोलिया जाता है। मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा। सो सत्त स्टेट्स ये हो गई, तो इन्हों भी तुम इसे ढंग अड अड पोर्शन के याद करोगे तो तुम्हें सत्ते स्टेट्स भी याद हो जाएगियाँ भी कि लोकेशन की है। सब तो पहला त्रिपुरा, त्रिपुरा के नाल चुंझी बनती है जी मिजोरम, वो उपर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, एंड बिल्कुल बंगलादेश के उपर टोपी पाई हुई है जी वो है जी साढ़े को मेघालय। सो यत स्टेट साढ़े को होर याद हो गई। हूँ आप देख लो पाकिस्तान भी कवर कर लिया बॉडर, इधरों अरब सागर का भी कवर कर लिया, फिर सने इधरों खाड़ी बंगाल का भी कवर कर लिया, फिर असी साड़ियाँ पूर्व अंचल दियाँ स्टेट्स ने सत्त वो भी कवर कर लिया। हूँ असी कवर करते हैं जिहड़ियां साड़ियाँ उपरले पासे भूटान, नेपाल ते चाइना नाल लगदियां बॉडर्स ने, इन्हां नूं आपां क्लीयर करते हैं भी किहड़े किहड़ियां स्टेट्स ने। ये देखो जी, आ जाओ लो जी, आ देखो सब तो निका जा भूटान अते नेपाल दे विचाल एक पिंक कलर की छोटी जी टोपी बनी भी तुहानूं डॉट जिहा बनिया दिखाई दे रहा है। यह है भारत की सब तो छोटी जनसंख्या, सब तो घट जनसंख्या इत्थों की है। यह है जी सिक्किम, भारत का एक छोटी जी स्टेट जिसकी जनसंख्या सब तो भारत में घट है सिक्किम। यह बेटा भारत का हिस्सा है। सिक्किम के बिल्कुल नीचे आ गया साढ़े को बिहार, नेपाल नूं टच करता है। सिक्किम के बिल्कुल नीचे बंगलादेश, वैसट बंगाल के नाल पछमी बंगाल के नाल लगता हुआ बिहार स्टेट है साडा। उस दे नाल भारत का एक सब तो वध पापूलेटड, सब तो वध जनसंख्या वाला राज उत्तर प्रदेश, बहुत वड्डा है, नेपाल तो चलता हुआ उत्तराखंड तक आ जाता है। उत्तर प्रदेश के उपर इस जो कट के हिस्सा अड किया गया सी उत्तराखंड, ये उपर चीन, चीन नाल लगता है। ये नाल ही बिल्कुल पंजाब का गवांढ़ी देश हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंजाब का गवांढ़ी राज हिमाचल प्रदेश। सो कि आ गए हिमाचल प्रदेश आ गया जी पहला, पंजाब के पैरल नैक बिल्कुल वो पैरल आ गया, नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नाल बिहार, बिहार के नाल उपरले पासे जाके भूटान अते नेपाल दे विचाले आ वाली स्टेट जिहड़ी आ गई साढ़े कोले सिक्किम। सो इस तरह साने ए वालियां जिहड़ियां चाइना, नेपाल ते भूटान नाल लगदे सी बॉर्डर वो भी देखे ने। वो स्टेट्स किहड़ियां किहड़ियां सीगियां, सिक्किम देख ली बेटा आपां ने, आ रिहा सिक्किम, फिर असी बिहार देख लिया, बिहार रहा, आ असी उत्तर प्रदेश देख लिया, आ असी उत्तराखंड देख लिया, इहदे नाल ही साढ़े कोले आ गया हिमाचल प्रदेश। सो इस तरह लगभग असी सारिया आउटर बॉर्डर नूं टच कर दी हुई स्टेट्स देख लिया। हूँ असी वह स्टेट्स देखा जिहड़ियां बाहर रहे किसी देश नूं जां बाहर किसी समुद्र नूं टच नहीं कर दियां। वो स्टेट्स किहड़ियां तुहाडे सामने आ रही ने, देखो एक तो साढ़े कोल हरियाणा, आ देखो जी हरियाणा एक पासे पंजाब लगता है, एक पासे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ते हिमाचल प्रदेश। आ रहा जी साढ़े कोल साडा हरियाणा, आ रहा जी पंजाब के बिल्कुल सज्जे वाले पासे जिहनूं आपां कहीए तां हरियाणा, हरियाणे के नाल उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बिल्कुल नीचे भारत के बिल्कुल मध्य भोपाल, पहला हरियाणा,
फिर भोपाल, भोपाल के नाल बिल्कुल नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के नाल ही झारखंड, झारखंड के बिल्कुल नीचे तेलंगाना, जिहड़ा आंध्र प्रदेश दो हिस्से किए गए सी तेलंगाना। सो ये पांच स्टेट्स अजिहियां ने जिहड़ियां बाहर ही किसी भी बॉर्डर टच नहीं करदियां। किहड़ियां-किहड़ियां सीगियां? हरियाणा, हरियाणा के नीचे थोड़ा जाके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के सज्जे वाले पासे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के सज्जे पासे झारखंड, छत्तीसगढ़ के खब्बे पासे तेलंगाना। सो बेटा ये जिहड़ियां स्टेट्स सीगियां, तुसीं ये उम्मीद है भी तुहानूं इस ढंग नाल जिवें देखो पांच पोर्शन आपां बनाए ने, ये पंजां पोर्शन दे विच तुहानूं 28 स्टेट्स याद हो जाणगियां। सो उम्मीद है भी थोड़ू स्टेट्स वाला कंसैप्ट बड़ी चंगी तरह क्लीयर हो गया होगा। इस मगरों आप यूटीज़ देखा जिड़िया, आ लो जी यूटीज़ अपन बिल्कुल टॉप तो शुरू हो जाए ने। आ सब तो उपर आ गई लद्दाख, ये यूटी है, यूनियन टेरेटरी है। ये नीचे जम्मू कश्मीर, पहली यूटी लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर साढ़े पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। बेटा ये भी यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है साडा चंडीगढ़। आ रहा जी चंडीगढ़, ये भी यूटी है। फिर साढ़े को दिल्ली, ये भी यूटी है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, यूटीज हो गई चार। पंजवीं यूटी आ गई साढ़े को दमन दीव, दादर नगर हवेली और दमन दीव। दमन दीव उरे है, दादर नगर हवेली उरे, इन्हों जोड़ के एक यूटी बनाते थे पहले अडड होंगे सी। सो साढ़े को एक यूटी पंजवीं ए आ गई। छेवीं साढ़े को आ गई लक्षद्वीप, आ रहा साढ़े अरब सागर के छोटे छोटे टापू ने साढ़े, ये भी यूटी है जी लक्षद्वीप। फिर साढ़े को छेवीं यूटी, सातवीं यूटी आ गई साढ़े को पौंडीचेरी, आ रही जी पौंडीचेरी। ये पौंडीचेरी साढ़े को नैक्सट यूटी आ गई। इस मगरों साड़ी लास्ट तो आ गई जी अंडेमान इको निकोबार द्वीप समूह, भारत के बंगाल की खाड़ी के जोड़े टापू स्थित ने, यह भी भारत की यूटी है। ये याद रखियो, इस भारत की पहली यूटी है, सब तो पुरानी यूटी कीड़ी है, अंडेमान अते निकोबार द्वीप समूह। सो इस तरह भारत दी अठ यूटीज़ ने। आड़े को जोड़ा कला यूटीज़ का मैप है, तुम उत्थे भी देख सकते हो इन्हों की लोकेशन प्रॉपरली। आ रहा साढ़े को बेटा जी लद्दाख, आ लद्दाख रही, लद्दाख के नीचे साढ़े को आ गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब और हरियाणा की सांझी राजधानी चंडीगढ़, आ डॉट के उत्ते चंडीगढ़ आ गई। फिर नीचे भारत की राजधानी दिल्ली, ये भी यूटी है। इधरले पासे गुजरात और गुजरात के दोनों पोर्शन जो टच करते हैं, दादर और नगर, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, आ यूटीज़ ने इको ही है। ये इधर साढ़े को अरब सागर के लक्षद्वीप, ये भी यूटी है। पौंडेचेरी साड़ी यूटी है। तो एक साढ़े को आ गई अंडेमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी साड़ी यूटी है। अंडेमान निकोबार द्वीप समूह है जोड़ा बेटा, ये भारत की सब तो पुरानी भाव पहली यूटी है, फर्स्ट यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, अंडेमान निकोबार द्वीप समूह। सो मैनू उम्मीद है भी तुसी जे इस नक्शे नू स्टैप वाइज स्टैप कर लोंगे, डायरेक्शन वाइज कर लोंगे, बॉर्डर के अकॉर्डिंगली कर लोंगे, है ना, जिमें आप पांच हिस्सों के भारत के सारे राज किए ने, उस तरह वक् वक् यूटीज़ कीतियां ने, तो थोनों भारत के मैप नाल संबंधित जिहड़ा भी कोई काम भरना आऊगा कदे भी किसी भी क्लास के उत्ते कदे कन्फ्यूज़ नहीं होवोंगे। सो इस करके ये मैप नू तुसी दो तीन बार होर देख सकते हो। बस प्रैक्टिस करना मैप वास्ते सब तो वध जरूरी हुंदा है। अपने कोल एक मैप रखो, उसते बारी बारी भर भर के देखो, तो थोनू मैप दे विच भारत का नक्शा एटलीस्ट चंगी तरह जानकारी हो जाऊगी, किहड़ा स्टेट कित्थे है, किस तरह का उत्थों का धरातल है। उम्मीद है भी थोनू ये वीडियो वधिया लगी होगी। इस नू एक दो बार होर देखो तो प्रैक्टिस करो, इस नाल तुहाडी भारत के मैप उत्ते मास्टरी हो जाएगी। वीडियो देखने वास्ते थोड़ा सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।